हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार में जो काउंसलिंग लिस्ट वो आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ ही गया, जिसका छात्र जो है बेसब्री से कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए जो है बहुत ही खुशी की खबर आ चुकी है। दोस्तों, जिसका भी रोल नंबर इसे मिल गया है तो मैं उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, जिनका रोल नंबर नहीं मिला है अब अपने मन को जो है छोटा ना करें, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे थे जब मैं रात में लाइव था, दोस्तों जैसे काउंसिल लिस्ट जो है करीब रात में 11 बजे के आसपास आया आयोग ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, उसी टाइम जब मैं लाइव था तो ज्यादा से तर जो छात्र जो कमेंट कर रहे थे, क्या सेकंड लिस्ट आएंगे और कट ऑफ कितना गया। दोस्तों, आज इस वीडियो में यही बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो है आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस आया था 4/12/21 यानी कल के डेटों में, इसमें क्या कुछ लिखा है, यहाँ देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये तो आप देख ही चुके हैं, ये सारा चीज जो है इसमें दिया गया है। काउंसलिंग कहाँ होगी, तो पटना में आयोजित की जाएगी और वो भी अल्प अवधि में। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि जो प्रदर्शित कर दिया गया, काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थी मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ से देख सकते हैं जो सभी छात्रों का इसमें जो है काउंसलिंग लिस्ट में जो है रोल नंबर आ गया है, इसमें जो है 14,400 के आसपास जो है छात्रों का रोल नंबर इसमें दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। फिलहाल अभी हम जान लेते हैं कि जो है आखिर कट ऑफ कितना गया, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है निराश हैं, उनका रोल नंबर इसमें नहीं मैच कर रहा है। दोस्तों, इसका जो हम बताते हैं कट ऑफ, दोस्तों जनरल की कट ऑफ जो अभी तक खबर है हम आपको बता दें कि जनरल की कट ऑफ जो है 105 के आसपास गया है। अब यही से अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि जो है बाकी सबका जो है कैटेगरी का जो है क्या क्या रहे होंगे कट ऑफ। जनरल का 105 प्लस एकदम गया है यार, जैसे कि आप जानते हैं कि 53,000 कैंडिडेट हैं, इसमें से जो है 53,000 कैंडिडेट में जो है 14,400 का काउंसिल लिस्ट जारी करना, दोस्तों कट ऑफ जो है 100 के आसपास ही, मतलब 105 के आसपास ही गया है। और थोड़ा सा दोस्तों ये जान लेते हैं, सबसे अधिक छात्र जो कमेंट कर रहे थे, क्या सेकेंड लिस्ट भी इसका आएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसे सीट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, 14,400 छात्रों में अगर 2016 वाले छात्र को लिया गया होगा उसमें काउंसलिंग में, तो उनको तो छांट देगा, तो वहां जो सीट बचेंगी तो हो सकता है कि जो है इसका संख्या लिस्ट जारी हो सकता नहीं, ये प्रबल संभावना है कि जारी होगा, इतना आप समझ लें। तो वही है दोस्तों कि 2016 वाले छात्रों का जो है इसमें दिया है कि नहीं, अभी ये क्लियर नहीं है इस काउंसिल लिस्ट में जो है 2016 छात्र शामिल है कि नहीं, क्योंकि आयोग इस प्रकार खबर निकल कर आ रही है कि 2016 वाले छात्रों का जो है रोल नंबर इसमें नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है, लेकिन सेकंड लिस्ट हर हाल में आएगी आप निश्चित है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।